नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने आज यानी 22 मई को श्रीहरिकोटा से रडार इमेजिंग अर्थ सैटेलाइट यानी RISAT-2B को लॉन्च कर दिया है। तो आज के अपने इस अपडेट में हम इसी सैटेलाइट से जुड़ी हुई कुछ खास चीजों को समझेंगे, जैसे कि यह सैटेलाइट अन्य सैटेलाइटों से किस प्रकार अलग है, इस सैटेलाइट के रडार में क्या खूबी है, इस सैटेलाइट को पृथ्वी से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, इसके अलावा यह सैटेलाइट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट से किस प्रकार भिन्न है, आदि सवालों के जवाब को समझेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट वे सैटेलाइट होते हैं जो अपने कैमरे की मदद से पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं, जबकि रीसेट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट वे सैटेलाइट होते हैं जो अपनी रडार की मदद से पृथ्वी की तस्वीर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हमें अपने पृथ्वी की किसी जगह की तस्वीर लेनी हो तो इस दशा में हम अपने अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की मदद लेते हैं, लेकिन अगर उस स्थान पर जहां की हमें तस्वीर लेनी हो वहां पर यदि बादल हो तो इस दशा में रीसेट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब आसमान के बीच में बादल होते हैं तो इस दशा में अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट अपना कार्य नहीं कर पाती हैं। दरअसल दोस्तों, रडार इमेजिंग सैटेलाइट अपने माइक्रोवेव तरंगों की मदद से उस बादल वाले जगह की एक 3D मॉडल तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें ठीक उसी प्रकार की तस्वीर प्राप्त हो पाती है जब वहाँ पर बादल नहीं होता है। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो जहाँ पर हमारे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होते हैं जिनमें कैमरे लगे होते हैं और क्लाउड के कारण पृथ्वी के किसी हिस्से की तस्वीर नहीं ले पाते हैं, तो इस दशा में हम अपने रीसेट यानी रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह उस जगह पर बादल या क्लाउड होने के बावजूद भी हमें ठीक उसी प्रकार की तस्वीर प्राप्त करवा पाता है जब वहाँ पर क्लाउड नहीं होता है। दोस्तों, RISAT-2B को धरती की 557 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा और यह अपनी कक्षा में 37 डिग्री के कोण पर झुका होगा। दोस्तों, यह एक्स बैंड की सिंथेटिक अपर्चर रडार से युक्त उपग्रह है और इस सैटेलाइट को PSLV C46 से प्रक्षेपित किया गया है और इसका वजन करीब 615 किलोग्राम है। दोस्तों, यह बादलों के होने पर भी काम कर सकता है और 1 मीटर की रेजोल्यूशन तक जूम कर सकता है। दोस्तों, यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत के लिए आँख के तौर पर कार्य करेगा। इससे भारतीय सुरक्षा बलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा इस सैटेलाइट से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में आतंकी शिविरों की गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी।